नमस्कार मित्रों, मैं हूँ एसके अनिल और आज के इस एपिसोड में मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके कहने पर एक ऐसा लाइव चार्ट लिया है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी दिए गए इवेंट को किस प्रकार से प्रेडिक्ट करना चाहिए, दशा फिक्सिंग या प्रॉमिसेस कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो जातक हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 सितंबर 1975 दिया है और गिवन टाइम था 11:14 सुबह के, अरवाल बिहार में इनका जन्म है। तो इस हिसाब से मैंने कुंडली कास्ट की और इनका जो प्रश्न, जैसे मैंने बताया कि ये स्पेकुलेशंस में चाहते हैं कि इनको प्रॉफिट हो, शेयर बाजार सट्टा में इनको प्रॉफिट हो, क्या ये जानना चाहते हैं कि इनके चार्ट से ये काम इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जो इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है उनमें मैंने जो जेनेटिकल कनेक्शन के हिसाब से इनके पहली संतान का मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा और इन्होंने अपने पिता का जो डेथ इवेंट था उसका भी इन्होंने डेट दिया है, उसके साथ मिला के इनके मैरिज का जो डेट है वो भी मिला के मैंने जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया है वो टाइम आया 11:12:42। वो सारा टैली करने के बाद मैंने अपने जो मैंने NGS का अपना जो ये जो सॉफ्टवेयर है नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर ऑल इन वन, इससे मैंने BTR किया तो वो भी उसने भी वही टाइम दिखाया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वो ज़रूरी है, किस प्रकार से करते हैं। ये मेरे YouTube पे डाले हुए वीडियोस में आप देख सकते हैं मैन्युअली, मैं यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज दिखा रहा हूँ। 11:14 का टाइम दिया इन्होंने, सबसे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे यूज़ वर्चुअल सबसब लॉर्ड लेंगे, पांचवें घर का जो सबसब लॉर्ड है वो हमने यहाँ पे जुपिटर दिया क्योंकि उनके पहली संतान जिनका जो जन्म है वो है 3 फरवरी, फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थ है वो है का, हाँ फर्स्ट चाइल्ड का जो मून स्टार है वो है जुपिटर जो इन्होंने दिया है मुझे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जुपिटर सेलेक्ट किया और वो मेल है तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट किया और इस हिसाब से हमने इसको बैकवर्ड लिया क्योंकि जन्म का जो समय है वो उनको 11:14 बताया गया था। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कराते हैं क्योंकि जब बताया गया तो मतलब ये कि जन्म हो चुका था, कब होगा ये देखते हैं। आइए यहाँ पे देखें 11:12:42, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने पास्ट इवेंट के साथ कैलकुलेट किया वहाँ पे जो जन्म का समय आया 11:12:42, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे जो समय आया है वो 11:12:42 आया है। अपडेट कर लेंगे चार्ट को, सेव कर लेंगे। अब इनका जो प्रश्न था उन्होंने ये पूछा कि जो मेरा व्यवसाय और व्यापार है वो कैसा रहेगा स्पेकुलेशन में, शेयर बाज़ार सट्टा कमोडिटीज़ के अंदर। ये पहले किसी सरकारी जॉब में थे और बहुत अच्छी जॉब थी लेकिन उन्होंने ये जॉब छोड़ दिया, क्या कारण था इन्होंने नहीं बताया। हम यहाँ पे ये गेस करेंगे कि क्या इनका जो व्यापार या व्यवसाय है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये साबित होता हो कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। दूसरा, जो स्पेकुलेशंस हैं जो शेयर बाजार और सट्टा के अंदर जो ये काम कर रहे हैं क्या इनके लिए ये प्रॉफिटेबल है या लॉसेस का जो है ना वो नंबर एक्टिवेट होता है। आइए सबसे पहले प्रॉमिसेस चेक करते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम यहाँ पे कस्पल इंटरलिंक में जाएं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो प्रॉमिसेस रीड करने के लिए सबसे पहले हम पहले घर के सब सब लॉर्ड को देखते हैं, फिर प्रोफेशन हाउस को देखते हैं और वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, यानी कि अगर शेयर बाजार सट्टा स्पेकुलेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो पांचवा घर जो शेयर बाजार और सट्टा का घर है वो आना चाहिए। और वो प्रॉमिस क्या करता है, प्रॉफिट का या लॉस का, है ना, इसको हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहले रीड करते हैं, आइए देखते हैं कि इनका जो पहले घर का सब सब लॉर्ड है वो है केतु।
केतु जो है वो पहले घर का सबसे लॉर्ड है और वो सन के स्टार में बैठा है। अब सन देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे घर का वर्चुअल सबसे लॉर्ड है यानी धन स्थान का, और वर्चुअल सबसे लॉर्ड ऑफ द 10th कस्प यानी कि प्रोफेशन हाउस का वो वर्चुअल सबसे लॉर्ड है, यानी कि लग्न का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कारोबार वाले नंबरों में है। कौन से कारोबार के नंबर हैं? 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, ये पैसे और कारोबार के नंबर हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, वो केतु की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 में, यानी कि 8वां घर छोड़ के बाकी सारे के सारे घर इन्वॉल्व हुए हुए 10 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ, यानी कि वो 8वें को छोड़ करके बाकी सभी घरों के साथ जो है वो अपना प्रोफेशन जो है वो बना सकता है। कमिटमेंट में देखते हैं यहाँ पे राहु है, तो राहु जो है वो 4, 8 और 12 में है और 10 में भी है। राहु रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 11, 5, 2, 10, 12 और 11 के अंदर है, क्षमा करें 2, 5, 3, 9, 5, 9 और 5 में है, यानी कि 2 और 3 के साथ 5 और 9 भी है। और जो राहु है वो मार्स के अंदर भी है, मार्स के साइन में है, तो मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, 6, 7, यानी कि कुल मिला के मिले जुले से नंबरों में आता है। तो यहाँ पे जो लग्न है वो ये कहता है कि आपको काम चाहे जो भी करना हो उसके अंदर प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, अप्स एंड डाउन्स भी है और गेन भी है। अब बारी आती है देखने की कि जो उनका प्रोफेशन होगा वो कैसा होगा। तो हम लेंगे 10वें घर का सब सब लॉर्ड। 10वें घर का सब सब लॉर्ड जो है वो यहाँ पे बनता है मरकरी। मरकरी 10वें और 12वें घर का सब सब लॉर्ड है और 11वें घर का वर्चुअल सब सब लॉर्ड है। मार्स के स्टार में बैठा है, 1, 6 और 7 दे रहा है। हम जानते हैं कि 6 नंबर जॉब और 7 नंबर व्यापार के लिए है, दोनों ही काम कर सकते हैं। कमिटमेंट के अंदर फिर राहु आ जाता है सब लॉर्ड में, जो कि 2, 3, 4, 6, 7 और 10 यानी कि प्रॉफिट की बात करता है, और 5, 8, 12, 6, 8, 12, 7, 8, 12, 5, 9 और 12 ये सारे के सारे नंबर जो है वो उथल पुथल चेंजेस और परेशानी और चैलेंजेस को बताते हैं। फाइनल कंफर्मेशन जो है वो हम लेते हैं सब सब लॉर्ड से। तो 10th हाउस का जो सब सब लॉर्ड है वो फाइनल कंफर्मेशन कैसे देगा? अपने सब सब लॉर्ड से। तो यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन के लिए जो मरकरी का जो सब सब लॉर्ड है वो है 1, 3, 4, 8 और 9। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जो 8 और 9 है, बेसिकली जो 9 नंबर है वो 10 के लिए बहुत खराब है, बट चूंकि यहाँ पे 10 है ही नहीं तो 9 क्या करेगा। लेकिन 3, 8 और 9, 1, 4, 8 और 9 ये सारे नंबर जो हैं ये थोड़े से मिक्स्ड नंबर हैं, यानी कि ये नंबर वो हैं जो कि प्रोफेशन हाउस को इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करते। बहरहाल जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि स्पेकुलेशन से लाभ होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो 5वें घर का सब सब लॉर्ड है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 5वें और 9वें घर का जो सब सब लॉर्ड है वो है जुपिटर, मरकरी के स्टार में है। मरकरी क्या है? 10वें, 11वें और 12वें घर का वर्चुअल सब सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड है। 10 और 12 का सब सब लॉर्ड, 11 का वर्चुअल सब सब लॉर्ड, वो इन्वॉल्व कर रहा है 5 को। 5 क्या है? स्पेकुलेशन। 2 क्या है? धन। 8 क्या है? अदर्स मनी भी कह सकते हैं। 10 प्रोफेशन है, 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, 12 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब हम यहाँ पे 2 को देखते हैं कि क्या जुपिटर स्पेकुलेशन के माध्यम से यदि वो 5 और 2 को या 10 को इन्वॉल्व करता है तो कमिटमेंट में क्या आता है, तो हम पहले देखेंगे धन को। स्पेकुलेशन में अगर धन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कमिटमेंट के अंदर 1 जो कि 2 का 12वां है, यहाँ पे अपनी खुद की वजह से धन की हानि या खुद के ऊपर धन का व्यय बोलता है। 3 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 2 को बढ़ावा देता है, धन प्राप्ति का नंबर बनाता है। 4 धन प्राप्ति का नंबर बनाता है, ह्यूज मनी बोलते हैं क्योंकि वो 2 का मल्टीपल हाउस है। लेकिन 8 और 12 ये वो नंबर हैं जो धन की हानि करते हैं। तो क्या हुआ? 1, 8 और 9 ये धन की हानि कर रहे हैं और 3 और 4 धन को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि मिले जुले से नंबर आए। लेकिन जब हम 5 को देखते हैं, 5वां घर क्या है? स्पेकुलेशन है। 5 और 10 मिले तो 5वें घर से प्रोफेशन कर सकता है, जैसा कि
प्रोफेशन हाउस में बोला गया कि किसी भी हाउस का सब सब लॉर्ड यदि वो 10 में जाता है तो उसके हिसाब से वो प्रोफेशन कर सकता है, बशर्ते सब लॉर्ड या सब सब लॉर्ड उसको सपोर्ट करते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 10 की इन्वॉल्वमेंट में 10 को खा गया 9 क्योंकि उससे 12वां है, और 2 जो है उसको खा जाता है 1, 8 और 9, और 5 को खा जाता है 4 क्योंकि उससे 12वां है। तो क्या हुआ, ये कहता है कि यहाँ पे 5वें और 9वें घर से किया गया कोई भी कार्य सब असफल रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस जातक को यदि वो ऐसा प्रोफेशन चुनता है जो कि स्पेकुलेशन रिस्क वाले जॉब है, प्रोफेशन है, तो वहाँ पे उसको भारी हानि होने की संभावना बनती है। इसलिए जब प्रॉमिस में आ जाए कि आपको किस भाव से लाभ नहीं होना है और हानि होनी है, ऐसे में आपको ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए। इन जातक ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्यों छोड़ दी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन हाउस का जो लॉर्ड है वो 1, 3, 4, 8 और 9 में गया हुआ है, प्रोफेशन के बिल्कुल विपरीत है ये, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको जो कार्य करना है वो कैसे करना है, तो 5वें घर से प्रॉफिट का नंबर नहीं आता। अब आप ये देखिए कि अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो कौन कौन से प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं, आइए देखते हैं इस चीज़ के लिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं सन, धन स्थान का वर्चुअल सब सब लॉर्ड है सेकंड हाउस का, और टेंथ का वर्चुअल सब सॉरी सेकंड का जो सब सब लॉर्ड है और टेंथ का वर्चुअल सब सब लॉर्ड है, खुद के नक्षत्र में है इसलिए 2, 10 और 12 की इन्वॉल्वमेंट रखता है। कमिटमेंट में मून लेंगे जो कि 7वें और दूसरे घर का सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड और वर्चुअल सब सब लॉर्ड है, तो यहाँ पे 2 के लिए 1 हानिकारक है और 9 हानिकारक है, लेकिन 2, 3, 4, 7 और 11 एक फायदे वाले नंबर हैं। यहाँ पे जो 10 है उसके लिए 1, 2, 3, 4, 7 और 11 अच्छे हैं, लेकिन 10 का 9 12वां होता है इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन में 10 सस्टेन हो जाता है तो आप सन को कह सकते हैं कि सन की दशा में आपको धन लाभ प्राप्त होगा। मून कैसा रहेगा आपके लिए, यहाँ पे स्पेकुलेशन की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि 5 नंबर कहीं भी नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको धन लाभ कब होगा, जब आप सीधे सीधे अपना व्यापार या व्यवसाय करेंगे। 7वें घर का सब सब लॉर्ड है मून, यहाँ पे आप देखें कि जो मून है वो पोजिशनल स्टेटस में और सन के स्टार में है इसलिए वो 2 नंबर और 7 नंबर को प्रबलता से यहाँ इन्वॉल्व कर रहा है। कमिटमेंट के अंदर राहु आता है, अब देखिए जो राहु है ये धन के हानि के लिए प्रबल कारक है। क्यों कारक है, क्योंकि इसके डीएनए में क्या है, 8वें घर का सब सब लॉर्ड है, 12वें घर का वर्चुअल सब सब लॉर्ड है और 4, 8, 12 का वो स्टार लॉर्ड है। ये अलग बात है कि वो 10वें घर का सब लॉर्ड भी है, तो यहाँ पे 10वें घर के सब लॉर्ड के मुकाबले 4, 8 और 12 जो है ना वो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। जो राहु है वो जुपिटर भी है, जुपिटर क्या है 5 और 9 जो कि धन का और व्यापार का बिल्कुल व्यवसाय का विपरीत नंबर है, उसका सब सब लॉर्ड है, और जो यहाँ पे मार्स है वो किसी भी हाउस का सब सब लॉर्ड नहीं है लेकिन वर्चुअल सब सब लॉर्ड ऑफ द 7th कस्प है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जातक का जो धन है या व्यापार व्यवसाय बहुत उथल पुथल वाला है। वर्चुअल सब सब लॉर्ड के अंदर मरकरी का आना ये दिखाता है कि वो 10 और 12 का सब सब लॉर्ड जो है वो 2, 10, 11 एक बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन 5, 8, 12 आना ये फाइनेंशियल क्राइसिस और जो व्यापार और व्यवसाय है उसके अंदर बहुत उथल पुथल दिखाता है। अब आ जाएं आप मून मार्स को देखते हैं, मार्स खुद के नक्षत्र में और 1, 7 और 1, 6 और 7 को इन्वॉल्व कर रहा है। 1, 6 और 7 क्या है, ये व्यावसायिक और व्यापारिक नंबर है, 6 नंबर व्यवसाय और 7 नंबर व्यापार। इसकी कमिटमेंट में फिर राहु, राहु क्या है 4, 8, 12 और 10। जुपिटर क्या है, जुपिटर में जो है वो नंबर आ रहे हैं 2, 3, 5, 9, तो ये सारे के सारे नंबर मिक्स्ड है, यहाँ पे भी मिक्स्ड है, इसलिए इनका व्यापार व्यवसाय जो है वो बहुत उथल पुथल वाला रहना रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि ये अपना रिमार्क्स जो है वो YouTube पे डालें मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर वो डाल पाए तो। फिर लेते हैं मरकरी को, मरकरी क्या है, 10 और 12 का सब सब लॉर्ड है, मार्स के स्टार में बैठा है, अगेन राहु के सब में बैठा है और शनि के सब सब में बैठा है, तो 10वां घर तो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, इसी वजह से इनका व्यापार जो था व्यवसाय जो है वो बहुत उथल पुथल वाला रहेगा, क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और व्यापार और व्यवसाय में भी बहुत उथल पुथल देख रहे हैं। कारण आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ
कि 6 और 7 दोनों इन्वॉल्व हैं, व्यापार करें चाहे व्यवसाय। राहु 4, 8, 12 में है और फिर वो गुरु में है जो कि 5 और 9 में है, शनि में है जो शनि जो है वो 8 और 9 दे रहा है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है वो बड़े ही उथल पुथल वाले नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। जुपिटर को लेते हैं, 5 और 9 का मालिक है, मैंने अभी दिखाया था। 2 का जो एडवर्स नंबर है 1, 8 और 9 धनानी के, और 10 का 8 और 9 एकदम खराब नंबर है। और फिर राहु सबसे ब्लॉट बनता है इसलिए उथल पुथल बहुत होगा, क्योंकि 4, 8, 12 भी है और 5 और 9 भी है। वीनस को लेते हैं, वीनस जो है बहुत अच्छे घरों का मालिक है, 3 ट्रेडिंग, 4 नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर नौकरी या व्यवसाय और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। ये PSB और केतु के नक्षत्र में है। केतु जो है वो 1, 2 और 6 का मालिक है, और केतु जो है वीनस भी है, और वीनस जो है वो यहाँ पे 3, 4, 6 और 11, यानी कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत सुंदर है। फिर वीनस जो है वो सब लॉट बना है वीनस का ही खुद का, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट बहुत अच्छी है। फाइनल कन्फर्मेशन में 2, 3 नंबर जो है वो पैसा और अच्छा आपका कारोबार दिखाता है, लेकिन 5 और 9 उथल पुथल दिखाता है। तो एक वीनस ऐसा प्लैनेट है जिसकी दशा में जातक पैसा कमाएगा, सन एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी दशा में भी जातक पैसा कमाएगा। फिर हम बारी करते हैं सैटर्न की, सैटर्न खुद के नक्षत्र में। अब इन्वॉल्वमेंट 3, 4, 8 और 9 की है। कमिटमेंट में मरकरी खुद आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि 5, 8 और 12 में भी हैं और 2, 10, 11 में भी हैं, यानी कि ये दोनों ही मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। फाइनल कन्फर्मेशन के अंदर मून आ जाता है जो कि बहुत अच्छे घरों के अंदर गया हुआ है। तो यहाँ पे जो सैटर्न है वो बहुत उथल पुथल के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट जो है वो जातक को दे सकता है। फिर लेते हैं राहु। राहु यहाँ पे इन सभी घरों के अंदर इन्वॉल्व और कमिट हुआ है। 1, 6 और 7 के अंदर जो है ना वो सबलॉट के थ्रू गया हुआ है, जो कि राहु एक ये कहता है कि धन से संबंधित जरूर एक बार अपने ऊपर पैसे खर्च होंगे एक की वजह से, लेकिन 6 और 7 एक अच्छे नंबर हैं। केतु को देख लीजिए, केतु यहाँ पे 2, 1 और 6 का जो इन्वॉल्वमेंट रखता है, लेकिन PS नहीं है, सन के स्टार में बैठा है। सन क्या है? 2, 10 और 12। केतु जो है वो वीनस है, वीनस क्या दे रहा है? 3, 4, 6, 11, यानी कि बहुत अच्छे नंबरों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यहाँ पे राहु की कमिटमेंट है जो कि 4, 8 और 12 है। 10 का भी कोरूलिंग है। फिर राहु यहाँ पे जुपिटर है, तो जो जुपिटर है वो 5 और 9 के साथ 2 और 3 भी है, मिले जुले से जो नंबर है वो दे रहा है। फाइनल कन्फर्मेशन के अंदर यहाँ पे वीनस आता है, जो ये कहता है कि ये एंड में रिजल्ट थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो 2 और 3 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनके लाइफ के अंदर जो सक्सेस है वो अच्छे आएंगे। बहरहाल सन बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकता है, और इसके साथ जो अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं इनके जीवन में वो कौन से आ सकते हैं वो आप देखिए, वो है वीनस। तो सन और वीनस ये बहुत अच्छे प्लैनेट हैं जो कि इनको पैसा और कारोबार दे सकते हैं। जो राहु है वो भी थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 9 में से केवल 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो अच्छे हैं। स्पेकुलेशन के लिए तो कतई अच्छे नहीं है, इसलिए मैं इनको सलाह दूंगा कि आप जो है वो स्पेकुलेशंस हो जाएं या रिस्क वाले कोई काम हो जाए उनको करने से बचिए। सीधे सीधे नौकरी करें या व्यापार करें थोड़ी सावधानी से, तो जीवन ठीक से चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएँ, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।